हेलो हेलो, मुंह से बोलो हेलो, सलाम अलैकुम, मुंह से बोलो सलाम अलैकुम। आप बोल दो कैसे बोलते हैं सलाम अच्छे से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्फी अच्छे से बात करती है। अल्फी अच्छे से बात करो, तो अच्छे से बात करो। देखो अल्फी कैसे बात कर रही है। सलाम। और हेलो हेलो कौन बोलेगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज अल्फी घूमने जा रही है। कहाँ जा रही है अल्फी? घूमने जा रही है ना, बता दो। घूमने, गाड़ी, बड़ा गाड़ी से जा रही है, बता दो बता दो। अच्छा बाय कर दो, चलो बाय। बड़ा गाड़ी से ना, इन्हों को नहीं लेंगे ना, लेंगे। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? जाओ अल्फी, बाय। कहाँ जा रही हो? बैग को नहीं छोड़ेगी। और आगे बढ़ो, चलो इनो फट से अंदर घुसो। आगे बैठेगी इनो, इनाया चलो 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 अपनी जगह में। आगे आप आगे बैठोगे तो दादी कहाँ बैठेगी? जाओ आप आगे चले जाओ। कुछ बात मैंने भैंसी बाय कुछ को मार मर्जी कुछ 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 हेलो कुछ कुछ कर लेती है। आप बोल दो तो हेलो कुछ 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 सुनो, सलाम करना आता है ना? हाँ, सुबह सिखा रही थी ना हाफिजी कैसे सिखाए हैं सलाम करने के लिए। सलाम हो गया तुम्हें वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछिए कैसे हैं आप लोग। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, पूछिए एक बार। सलाम वालेकुम। वही बोलेगी। और अलका ठीक है, अलका अपना बैग वैग लेके रेडी है। अलका दिखा दो अपना बैग। सलाम वालेकुम, बैग दिखा दो, कहाँ लेके रेडी हो अपना बैग? कुमोए कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कहाँ? पुप्पी इनाया बताएगी कहाँ जा रही है। इनाया पुप्पी कौन? मम्मी पुप्पी क्या कर रही? काम करने काम करने जा रही है। हाँ। मेरी मम्मी पुप्पी है तो मैं उनकी घर पानी लग रहा है। जंगल में क्या रहता है इनो? जंगल मोल रहता है ना। और मोल रहता है ना। और क्या रहता है? और मोल रहता है और हाथी। इसमें देख के बता दो, मोबाइल में देख के बता दो क्या क्या रहता है। हाथी राजा का हाथी है। क्या हिनो ये सब क्या है? क्या हेल्पी? हेल्पी बताएगी, देखना इधर से देखेगी, इधर देख के बताओ क्या हेल्पी, जोर से बताओ क्या हेल्प हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं लंगर खाने में। आज मेरी छोटी ननंद के यहाँ लंगर खाने की दावत है और हम सारी फैमिली वाले जा रहे थे, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरी माँ और बाकी लोग वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे। तो आज का वीडियो में आपको हेलो अस्सलाम वालेकुम तो अल्फिया ने कर ही दिया था और शायद इनाया ने भी सलाम किया, तो अब अल्फिया सीख गई है। सीख गई है क्या? वो देखती है ना मुझे करते बताते तो वो भी करने लगती है और मेरा मोबाइल चालू हुआ तो वो एक्टिव हो जाती है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया, यहाँ पे भी मोबाइल चालू हुआ मतलब वो एक्टिव हो जा रही थी।
और यहाँ पे कर रही थी डांस, उसके अब्बू म्यूज़िक लगा दिए थे तो वो डांस करने लगी थी, तो मैंने म्यूज़िक को हटाने के लिए कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर दिया। तो आइए आप लोग को भी लेके चलते हैं लंगर खानी में और दिखाते हैं कि वहाँ की लंगर खानी कैसी थी। अच्छा लगा, ग्यारहवीं शरीफ का महीना चल रहा है, अब तो रोज़ लंगर खानी होगी, लेकिन हम लोग सारी जगह नहीं जा सकते, बट वो हमारी बाजी थी, अपनी बाजी, मतलब मेरी छोटी वाली ननंद मेरे से बड़ी हैं रिश्ते में भी, एज में भी, बट ये मतलब दो बाजी हैं मेरी, दोनों बड़ी हैं मेरे से, तो वो छोटी बाजी थी जिनके आम गए थे, दोनों बच्चे गाड़ी में सो गए थे, गाड़ी मिली मतलब उनको नींद आना ही है कन्फर्म। तो आ गए थे हम बाजी के यहाँ, ये बाजी का घर है, यहाँ पे बन रहा था खाना, बना था गोश्त और पुलाव, और अलग से भी सूखा गोश्त भी बना था और भी कुछ कुछ गोश्त बना था। यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, बच्चे आए उनको भूख लग गई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ खाएंगे, तो बाजी ने कहा पूड़ी बना दो, बच्चे सब्जी है सब्जी और पूड़ी खा लेंगे। और यहाँ पे भैया खाना बना रहे थे, ये मेरे नंदोई हैं छोटे वाले और वो मेरी ननंद हैं, तो भैया यहाँ पे खाना बना रहे थे, सब्जी गोश्त बन रहा था, खस्सी का गोश्त बना था, तो भैया दिखा रहे थे, मैंने भैया भैया आप खाना अच्छा बनाते हो, हंस रहे थे। फर्स्ट टाइम भैया मेरे साथ कुकिंग किए थे जब मैं पहली वाली बार शादी करके आई थी, और हम लोगों ने बिरयानी बनाया था बहुत सारा, भैया को याद होगा। ये है चावल, आई मीन्स पुलाव बन के रेडी हो चुका था, हम लोग का तो आधा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और ये है बाजी का घर, मैं अच्छे से आप लोग को नहीं दिखा पाई। अल्फिया, अल्फिया तो इतना इंजॉय की, इतना इंजॉय की कि एक बार भी मेरे पास आने का नाम नहीं ले रही थी, मुझे खोज ही नहीं रही थी, इस रूम से उस रूम में, उस रूम में से उस रूम में। यहाँ पे पापड़ का भी इंतजाम चल रहा था, यहाँ पे सैलेड बन के रेडी है, खाने में क्या क्या था, पुलाव था, गोश्त था, सैलेड था, पापड़ था, ये अलग से सूखा गोश्त भी बन रहा था, कलेजी वगैरह मतलब, और टमाटर की चटनी थी, मतलब बहुत सी चीज़ें थी खाने के लिए, अच्छा खाना बना था, खाना भी अच्छा बना था। ये फ्राई करके चिकन रखा हुआ है, ये कलेजी बना है, सूखा कलेजी बना है, और यहाँ पे मैं पापड़ छानने की तैयारी भी कर रही थी, चिकन बन के डन हो गया है, इसको भी मैंने ही बनाया था, कलेजी भी मैंने ही बनाया था, पापड़ को भी मैंने ही फ्राई किया था, जो चीज़ें मैं बच गई थी उन चीज़ों को मैंने यहाँ से जाने के बाद कंप्लीट कर दिया था, और कुछ पहले से कंप्लीट था, बाकी तो खाना बाहर जेंट्स लोगों ने बना ही दिया था, ये सूखा कलेजी मैंने बना दिया था, जो पसंद करेंगे लोगों के लिए। इस तरीके से हमारा ये मेरी ननंद है, जिनको कहना था मुझे वीडियो में बिल्कुल मत लेना, लेकिन ये मेरी सबसे फेवरेट ननंद है। आप लोगों ने देखा बाहर फातिया हो रही है, सलाम पढ़ी जा रही है, फातिया हो रही है, और अंदर पापड़ फ्राई हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सबको लंगर खाने की तौफीक अता फरमाए, और सबके यहाँ अल्लाह ताला लंगर खाने कराएं। बाजी लोग उतना तो नहीं बोलूँगी, बने हुए हैं या जो भी हैं, बट बाजी हर साल लंगर कराती हैं, उनकी जितनी अपनी हैसियत होती है उस हैसियत के अकॉर्डिंग वो हर साल लंगर कराती है, और अल्लाह उनको इसी तरीके से लंगर कराने का तौफीक दें भैया को, बाजी को, ताकि वो इस तरीके का लंगर कराते रहें, और अल्लाह ताला उनके घर में हमेशा बरकत देते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। दोनों बच्चे खा रहे थे खाना, मैंने कहा वीडियो बना लूँ ना, या कह रही है नहीं मुझे अभी खाने दीजिए, अभी कुछ कुछ खाऊंगी, और अल्फी अपना बिजी है खाने में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसको खाना मिलना चाहिए, खाने वाली चीज़ें मिलना चाहिए, वो अपना पेट भर लेती है, मुझे नहीं खिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा आज का प्रोग्राम था, मैं कितना बताऊँ अब हुआ, पापड़ सलाद सब आप लोग को दिखा दी, टमाटर का चटनी, यहाँ पे भैया लोग खाना खा रहे थे, भैया बोल रहे थे मेरा वीडियो मत बनाओ वरना आप यूट्यूब में डाल दोगे, मैंने कहा भैया बनाना ज़रूरी है वरना पता कैसे चलेगा कि आपने खाना खाया था, भैया की तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए भैया खाना नहीं खाना चाहते थे,
बट फिर भी खा लिया, अच्छी बात है भाई, उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। तो चलिए बाकी वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मतलब क्या, सॉरी ना, अल्फिया परेशान कर रही थी वॉइस रिकॉर्डिंग करने में, इसलिए समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे खा रहे थे भैया लोग खाना और अब हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने आ गए थे कोल्ड ड्रिंक। अब आप बोलेंगे नवंबर के महीने में कोल्ड ड्रिंक, मैं आप लोग को बता दूँ, मैं जब भी बाजी के यहाँ आती हूँ, महीना मंथ कोई सा भी हो, ठंडी गर्मी क्या है उससे मतलब नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम लोगों के लिए मोस्ट होता है, बाजी के लिए, मेरे लिए, भैया के लिए। और हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक पार्टी अपना लास्ट में बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अब जाने वाली थी घर, भैया से बोली प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए वरना घर में जाके सपने में मुझे कोल्ड ड्रिंक दिखाई देगा, या बोले मैं अभी तुरंत पिला देता हूँ। तो फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय की, बाजी, भैया, बच्चे सब पिए, बस माँ नहीं पी। ये है मेरी बाजी, छोटी वाली बाजी, इनको मैंने कहा अभी वीडियो में आ जाइए, अभी नहीं है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।